या पार्टिसिपेंट होने वाला इसको एक बात और कहना चाहूंगा, सारे पार्टिसिपेंट्स में रुकते हैं इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन यूनियन है अरुणाचल प्रदेश ट्राइब्स यूनियन, जिन्होंने एक इनोवेटिव कार्यक्रम रखा है जो इंडिजिनियस स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कंपटीशन रखा है आज। और एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया तो मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है और जो इन्होंने यहाँ कार्यक्रम को जिस तरीके से परफॉर्म किया है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा किया। और इस इनके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, जैसे प्रेसिडेंट तादर नीलो जी को और सेक्रेटरी आपका रिवा साहब को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करें जो हमारे कम्युनल हारमोनी को बनाए रखेगा, इंटर कम्युनल जो भी है। थैंक यू। एक्चुअली सभी को आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल लवर्स है, या जो अपना इंडिजिनियस जो ट्रेडिशन को जो अच्छे से मानते हैं, उन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, या इधर वो गेम्स में भाग ले या ना ले, लेकिन इस इवेंट्स में आना चाहिए, क्योंकि ये इसमें सारा ट्राइब्स का जो भागीदारी है, जैसे तांगसा, नोक्टे, वांगचू, मोम्पा, निशी, तागिन, गालो, सभी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हम एक तो भेदभाव को भूलकर एक अच्छा सोच और अच्छा सद्भावना के साथ हमारे जो क्या बोलता है भाईचारा है और यूनिटी है इंटर कम्युनल, वो हम लोग मेंटेन कर सकता है। यहाँ आना चाहिए, एक दूसरे को इंटरेक्ट करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ ये पहले बार है इसलिए शायद कोई आ नहीं पाया हो, आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पार्टिसिपेट करेगा। देखा है तो बहुत, माने हम लोग यहाँ अरुणाचल में इतना फेस्टिवल है, लेकिन उसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है। ये देखा है तो अभी यहाँ में स्टेज बोलो या स्पोर्ट कल्चर क्या क्या करना है सब जितना किया है, बहुत अच्छा लगा है हम देख कर के। यहाँ में हमारा अरुणाचल का जितना 23 स्टेट आके सीखना चाहिए, ये देखना चाहिए। आज जो नहीं आया उन लोग का लॉस है, तो उसको देख करके नेक्स्ट जब ईयर में जब आएगा उन लोग सब पार्टिसिपेंट में आना है। पार्टिसिपेंट आके हर आदमी, हर कल्चर टीम, हर फुटबॉल वॉलीबॉल टीम, जो स्पोर्ट्स टीम, तो सब पास पास से मिलने का बोल के बात है नहीं, लेकिन यहाँ में सीखेगा अलग अलग जाति का भाषा, अलग अलग जाति का जो ट्रेडिशनल, अलग अलग जाति का नियम नीति सब सीखने मिलेगा। तो उसी हिसाब में हमारा ऐसा में नेक्स्ट ईयर में जब ये लोग जो ऑर्गेनाइज करेगा तो सब 20 स्टेप जो आके पार्टिसिपेंट लेना चाहिए, और अगर नहीं भी लेता है वो लोग आके देखना चाहिए। ये ऐसे हम लोग ने आज ये प्रोग्राम रखा है, ये फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स मेड इन कल्चर रखा है ऑल ट्रिप्स के लिए। ये ऐसे रखा है कि हर ट्रिप्स या में स्पोर्ट्स हम लोग कुछ समय के कारण से हम लोग हो नहीं पाया, जिससे हम लोग का आइडेंटिटी सेव और एनिशिटी। और जो हमने ये रखा है कि अरुणाचल काफ़ी ऐसे पीछे रह गया कि हम लोग इसलिए प्रमोट करने के लिए उसको आगे ले जाने का हम लोग ये प्रोग्राम रखा है। तो इसलिए हम लोग ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज का जो हमारे चीफ गेस्ट आया हुआ उसको भी मैं थैंक्स देना चाहूँगा। और हमारे जो स्पोर्ट्स में जो कमियाँ है और आज जो कमियाँ हैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम लोग ये इसमें वॉलीबॉल इवेंट रखा है, कल्चर कंपटीशन रखा है, हर टेप्स का कल्चर कंपटीशन रखा है, और हर डिनोमिनेशन हर टेप्स और कल्चर रखा उस वही ये रखा है। वॉलीबॉल है स्पोर्ट्स पे इवन वॉलीबॉल से रखा है ये पर्स से। और तो क्या सर हम उम्मीद कर सकते हैं अगर नेक्स्ट साल अगर आप लोग करते हैं तो ट्राइब्स का हिसाब से जो हम लोग का कॉमन है जो खो खो होता है जो और इसका बाद तक वो और भी होता है काफ़ी स्पोर्ट होता है वो सब आप लाएंगे? नहीं, हम लोग प्रोग्राम में रखा था उसको, हम लोग ये समय का जरिया से हम लोग उसको छोड़ दिया गया था, तो हम लोग पूरा ये इवेंट्स रखा था, तो इसलिए समय का ये कमियाँ का वजह से हम लोग ये प्रोग्राम को रखा था। तो सब रखा था हम लोग का इवेंट्स में ना, स्पोर्ट्स इवेंट्स में कॉक अनुवाद और कॉक फाइट्स ये सब रखा था हम लोग का ना,
कुछ कुछ स्पोर्ट्स में आपका रन 100 मीटर रेस भी होता है, इसलिए हमें समय के कारण से हम लोग ये रखा है। थैंक यू।